करौली में दलित समुदाय की महिलाओं व बालिकाओं के साथ में आए दिन बलात्कार व दुष्कर्म जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आपके साथ में क्या हुआ? घेर में बैठ चरा गई थी, बापी पे ही नीचे बैठी थी, दोनों ने एक ने मुँह बांध आके सापी थी, एक ने दोनों हाथ बांधे सापी थी। कितने समय की घटना है? 3:30 बजे की। और कितने दिन पहले की घटना है? 30 तारीख की। तो आपने 30 तारीख से रिपोर्ट क्यों नहीं कराई यहाँ पे आके? बिन्ने धमकी दी थी मेरे लिए। किसने दी थी धमकी? बिन दोनों लोगों ने। क्या धमकी दी थी? उन्होंने कही थी आप अगर 2 दिन तक किसी से कह दी तो तेरे और तेरे पति को दोनों को मार दूँ। तीसरे दिन बाद यूँ कहा मेरी बेइज्जती हुई, यहाँ घर से निकल चलो, मैं गांव में बदनाम हूँ आप कहोगे तो। फिर हम यहाँ आए दिखाने, दिखाया यहाँ पर, केस कार्रवाई की है। अब आप क्या चाहते हो? उनको दंड मिले। ये सब मासुकपुर में जो डांग क्षेत्र है वहाँ गुजर जाति के बाहुल क्षेत्र के लोग हैं, वो आए दिन वहाँ पर दलितों पर अत्याचार करते रहते हैं और गत दिनों वहाँ पर एक दलित महिला के साथ बलात्कार किया और वो जो महिला गए उनको 2 दिन तक वहाँ पर गए, उससे कह दिया कि आप गए तो उसको जान से मार देंगे, उसके पति को जान से मार देंगे। तो वो बेचारे डर भय के वजह से कुछ नहीं कह पाए। उसके बाद जब मुझे पता लगा उनको 2 दिन बाद मुझे फ़ोन आया वहाँ से कि इस प्रकार घटना हुई, तो मैंने कहा आप तुरंत करौली लेके आ जाइए। तो वो लोग फिर आए तो हम लोग महिला परामर्श केंद्र लेके गए तो वहाँ पर संतुष्ट जवाब नहीं मिला। तो फिर उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन लिख के दे दो, तो हम एप्लीकेशन में रिपोर्ट लेके गए थे महिला को, तो वहाँ पर एकदम महिला की हालत ख़राब हो गई पूछते पूछते, उसकी हालत खराब हुई, तुरंत मैं तत्काल अस्पताल भर्ती कराया। अस्पताल भर्ती कराने के बाद ये सारी प्रक्रिया चल रही है। गांव वालों ने क्या दबाव था? गांव वाले तो बिल्कुल डरे हुए हैं, वो कोई लोग उनके साथ नहीं आया बेचारे, वो उसका पति और उस महिला दोनों ही लोग आए और कोई उनके साथ नहीं आया। आए दिन दलित महिलाओं के साथ में इस तरह के दुष्कर्म होते हैं क्योंकि वो गरीब वर्ग के लोग हैं, कानून को समझते नहीं हैं और जब वो पुलिस थाने जाते हैं तो उनकी FIR दर्ज भी नहीं की जाती। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी कहता है कि दलित लोगों के साथ में तो ऐसा होता ही रहता है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमारी राज्य सरकार को कड़ा से कड़ा प्रबंध करना चाहिए। वह दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को 15 दिन के अंदर सजा देनी चाहिए। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।